ड्रीम स्टोरीज की दुनिया, चुड़ैल की बद्दुआ। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह बहुत रहम दिल था। उस बादशाह की एक बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन बादशाह की बीवी बहुत टाइम से बीमार थी। उसने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका नाम सेना था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मीठा और दूसरे का नाम बिट्टू था। मीठा बहुत चालाक और बिट्टू बहुत शरीफ था। बेटा, मुझे बादशाह को देखकर बहुत दुख होता है। वो बहुत परेशान है अपनी बीवी की वजह से। क्यों अब्बा, क्या हुआ उसकी बीवी को? बेटा, वो बहुत दिनों से बीमार है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। अबू, ये तो बहुत दुख की बात है। बादशाह सलामत तो बहुत परेशान हो गए इस वजह से। हाँ बेटा, वो बहुत परेशान है, इसी वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब्बा, बीवी उसकी और परेशान तू हो रहा है। कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है उसके साथ? आज अगर अम्मा जिंदा होती तो उसको बताता कि आजकल अब्बा दूसरी औरतों की बहुत परेशानी ले रहा है। शर्म कर मीठे बगैरत इंसान, इस उम्र में मैं चक्कर चलाऊंगा? मीठे भाई, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, ज्यादा सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम दोनों तो सीरियस ही हो गए। अगले दिन सेना दरबार में खड़ा होता है कि बादशाह कहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी बीवी बहुत बीमार है। अब मैं ऐलान करता हूँ, जो मेरी बीवी को ठीक करेगा मैं उसे अपना वजीर बनाऊंगा और उसे बहुत सारा पैसा और सोना दूंगा। पर बादशाह सलामत, आप तो हर तरह का इलाज करवा चुके हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये ऑफर इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरी बीवी ठीक हो सके। मैं अपनी बीवी को ठीक होने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ। फिर सेना घर आता है और मीठे और बिट्टू को ये बात बताता है। अब बेटा, तुम दोनों ऐसा तरीका निकालो कि बादशाह की बीवी ठीक हो जाए, वो हमें बहुत पैसा और सोना देगा। अब्बा, हमको हकीम तो है नहीं जो उसे ठीक कर सके। इतने बड़े बड़े हकीम उसके पास आए हैं, वो उनसे ठीक नहीं हुई तो हमसे खाक ठीक होगी। हाँ अबू जान भाई ठीक कह रहे हैं, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, उनको अल्लाह ही ठीक करेगा। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा होता है कि उसका एक मुलाजिम आकर कहता है, बादशाह सलामत, मैं एक बुजुर्ग को जानता हूँ जो इस गांव में रहता है, वो आपकी बीवी को ठीक करेगा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? जी बादशाह सलामत, वो एक नेक बुजुर्ग है जो आपकी बीवी को ठीक करेगा। ठीक है, कल उसे दरबार में लाओ। अगले दिन वो बुजुर्ग दरबार में हाजिर हो जाता है। मैंने सुना है कि तुम मेरी बीवी को ठीक कर सकते हो। बादशाह सलामत, मैं आपकी बीवी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि इस गांव में एक ऐसा दरख्त है जिस पर अजीब तरह का फल उगता है। अगर आपकी बीवी वो फल खाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। पर वो फल कहाँ से मिलेगा? इस चीज का इल्म मुझे नहीं है, लेकिन आपकी बीवी यही फल खा कर ठीक होगी। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हो गया कि ये अजीब फल वाला दरख्त कहाँ से ढूंढूं, और साथ ही सेना सोचने लगा कि ये अजीब फल वाला दरख्त तो मेरे ही घर में लगा हुआ है। फिर सेना अपने घर जाता है और बिट्टू और मीठे को सब कुछ बताता है। अबू, ये तो हमारा मसला आसान हो गया है। अगर उन बुजुर्ग के मुताबिक इस फल से बादशाह की बीवी ठीक हो जाती है तो हम बहुत खुश नसीब होंगे। अब्बा, पहले बादशाह सलामत से बात कर ले। अगर इस फल से उसकी बीवी ठीक हो गई तो वो हमें वजीर बनाएगा और सोना चांदी देगा। हाँ बेटा, मैं कल ही बात करता हूँ। अगले दिन सेना बादशाह को कहता है,
बादशाह सलामत, मुझे वो दरख्त मिल गया है, अगर उसके फल से आपकी बीवी ठीक हो जाती है तो आप अपना वादा पूरा करोगे? हाँ सेना, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूँगा। सेना बहुत खुश हो जाता है और घर आकर दोनों को ये बात बताता है। बादशाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। मीठे, पहले तुम ये फल लेकर बादशाह सलामत के पास जाओगे। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अगर इस फल से उसकी बीवी ठीक हो गई, तो मेरे तो मजे हो जाएंगे। फिर मैं उस बादशाह सलामत का वजीर होऊंगा और मजे वाली जिंदगी गुजारूंगा। फिर अगले दिन मीठा वो फल तोड़कर बादशाह के दरबार में जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिल जाती है। मीठा अजीब तरह का फल का लेकर जा रहा है। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, इसमें फल नहीं है बल्कि हरी मिर्चे हैं। मुझसे झूठ मत बोल, इसमें फल ही है। मुझे ये फल बहुत पसंद है, थोड़े से फल दे। मैंने कहा इसमें फल नहीं है बल्कि हरी मिर्चे हैं, और तू फल खाकर क्या करेगी? जा किसी इंसान का खून चूस। बेटे तू मुझसे झूठ बोल रहा है, जा, मेरी बद्दुआ है, तेरा काम नहीं होगा। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और मीठा बादशाह के दरबार में पहुँचा। बादशाह सलामत, मुझे सेना अबू जान ने भेजा है कि आपकी बीवी के लिए ये अजीब फल लेकर आया हूँ, इसे खाने से आपकी बीवी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुमने हमारा दिल खुश किया है, जल्दी से फल दो। फिर मीठे ने जैसे ही टोकरी खोली, उसमें हरी मिर्चे थीं। ये तो हरी मिर्चे है, तू हमसे मजाक कर रहे हो। बादशाह सलामत, मेरे से कसम उठवा लो, इसमें फल ही था, ये उस मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल ने हरी मिर्चे कर दी हैं। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना हम तुम्हें सूली चढ़ा देंगे। बादशाह सलामत, मुझे सूली मत चढ़ाओ, मेरे गले में पहले ही बहुत दर्द है। फिर मीठा वहाँ से वापस आ गया और अपने बाप को सारा माजरा बताया। फिर अगले दिन बिट्टू वो फल लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे वही चुड़ैल मिल जाती है। मुझे पता है इसमें हरी मिर्चे लेकर जा रहा है। नहीं चुड़ैल, मैं इसमें एक अजीब फल लेकर जा रहा हूँ। इस फल की एक बीमार औरत को बहुत ज्यादा जरूरत है, ये फल खाने से वो ठीक हो जाएगी। तुमने मुझसे सच बोला है, मैं बहुत खुश हुई हूँ, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। बिट्टू बहुत खुश हुआ और बादशाह के दरबार में पहुँचा। बादशाह सलामत, मैं आपकी बीवी के लिए फल लेकर आया हूँ, इससे आपकी बीवी ठीक हो जाएगी। अगर इसमें फल हुआ और इससे मेरी बीवी ठीक हो गई, तो मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा और बहुत इनाम होकर आपसे नवाजूंगा। फिर बिट्टू ने टोकरी खोली तो उसमें वही फल था। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने वो फल अपनी बीवी को खिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन बादशाह ने सबको दरबार में बुलाया और कहा, आज से बिट्टू मेरा वजीर है, इसे बहुत सारा सोना और इनाम होकर आपसे नवाजा जाएगा। बादशाह सलामत, बिट्टू मेरा भाई है, मुझे भी अपना वजीर बनाओ और मुझे सोना दो। तुम तो कल हरी मिर्चे लाए थे ना, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मीठा वहाँ से भाग गया और उसे उसकी लालच की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।